स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी अंग्रेजी ग्रामर की पुस्तक से पार्ट सेकेंड ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो हमारा अगला पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। पास्ट, पास्ट मीन्स यू नो वेरी वेल, मतलब बीता हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण या पूरा। टेंस काल, हम कह सकते हैं कि बीते हुए समय में कोई भी कार्य या कोई घटना पूर्ण रूप से हो चुकी हो, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग प्रायः उस दशा में हम करते हैं जब भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जा रहा हो, यानी कि एक काम पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है, किंतु दोनों ही कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण हो जाते हैं। इसके बारे में कैसे हम इसको दिए गए हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को कैसे जानेंगे, आइए चलिए इसके बारे में हम आगे इसकी परिभाषा और इसके अंग्रेजी बनाने के नियम के अंतर्गत इसमें हम और कुछ आगे सीखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जब भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन हो, जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहचान में आपको कैसे पहचान होगी कि जो दिया गया वाक्य है वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं? तो उसके लिए आप जब किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द पाएंगे, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि ये जो दिया गया वाक्य है वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। और अगर साधारण वाक्यों की हम बात करें तो साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है जब वाक्य में बिफोर पहले, टिल तक, ऑलरेडी पहले से ही का प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं कि यदि आपका वाक्य केवल साधारण दिया हो, यानी कि उस वाक्य में दो प्रकार के कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में आप केवल पास्ट परफेक्ट टेंस से ही उस वाक्य को पूर्ण कर देंगे। कैसे हम इनको ट्रांसलेट करेंगे? यदि सिंगल वाक्य दिया है एक क्रिया के साथ और अगर उसी वाक्य में दो काम दिए हुए हैं दो क्रियाओं के साथ, तो कैसे इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, आइए आगे हम इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेजी बनाने के लिए यदि वाक्य में केवल एक ही क्रिया दी हो तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं, अर्थात यदि हमारा वाक्य दिया है और उसमें केवल एक ही क्रिया हो तो उस स्थिति में हम उसके अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था, उसने पत्र लिख लिया था या वह पत्र लिख चुकी थी। यहां पर सिर्फ एक क्रिया दी है और वाक्य भूतकाल में पूरा हो रहा है। वैसे ही यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन किया गया हो तो उस वाक्य में
सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट में बनाते हैं। और पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए हम आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर पहले के लिए कहा है तो बिफोर, और अगर बाद के लिए कह रहा है तो उसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो रहा हो तो वहां पर हम सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कैसे? जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, या मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ हो गई थी। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा है, एक काम पहले समाप्त हो रहा है और दूसरा काम बाद में हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जब कभी भी आपको दो कार्य मिलेंगे तो वहां पर सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य की अंग्रेजी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और बाद के लिए आफ्टर तथा पहले के लिए हम बिफोर शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हम अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर लिखते हैं? अगर हम देखते हैं, बात करें स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य के लिए, साधारण वाक्य के लिए जो ये आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? पहले समाप्त होने वाला जो कार्य है उसको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, और वहीं जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम उस वाक्य को पूरा करते हैं। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं कि यदि हमारा दिया हुआ वाक्य निगेटिव हो तो उसके लिए हम उसे किस प्रकार से ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वाक्यों में हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने आपसे कहा था यदि वाक्य में केवल एक ही क्रिया दिया हो और एक ही क्रिया के साथ हो तो उसे हम अलग तरीके से बनाते हैं। अगर पास्ट में होगा तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर वो सिंपल दिया होगा एक ही वाक्य में और परफेक्ट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और अगर दोनों कार्य एक ही वाक्य में दिए हों तो सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, जैसे पहला उदाहरण है बच्चा सो गया था, तो बच्चा सो गया था तो द बेबी स्लेप्ट, द बेबी स्लेप्ट। दूसरा उदाहरण है अमन खाना खा चुका था, तो अमन है टेकन फूड, अमन है टेकन फूड। अगला उदाहरण है सूर्य निकलने से पूर्व हम जाग गए थे, तो सूर्य निकलने से पूर्व तो वी है गॉट अप, वी है गॉट अप बिफोर, वी है गॉट अप बिफोर द सन रोज़।
sun rose. अगला है, उसके जाने के बाद मैंने अपना पाठ याद किया था. तो I learnt my lesson. I learnt my lesson after he had gone. I learnt, मैंने याद किया my lesson कब, बाद में he had gone, उसके जाने के बाद, अर्थात उसके जाने के बाद मैंने अपना पाठ याद किया था. आइए आगे negative sentences के बारे में हम अध्ययन करते हैं. नकारात्मक वाक्यों में हम कैसे उसको अनुवाद बनाते हैं उसके लिए देखिए. नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर वाक्य में आफ्टर से पहले वाले वाक्य में जो भी आफ्टर से पहले दिया है उसमें डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर नेगेटिव बनाते हैं, और अगर बिफोर से पहले कोई वाक्य दिया हो, यानी कि जिस वाक्य की हम चर्चा करें उसमें वो वाक्य बिफोर से पहले आया हो, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हैड प्लस नॉन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम उसे निगेटिव बनाते हैं. जैसे आइए हम इस उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट कर लेते हैं. मैंने बताया कि अगर आफ्टर से पहले कोई वाक्य आया हो तो उसमें डिड प्लस नॉन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर निगेटिव बनाते हैं. जैसे घंटा बजने के बाद यानी कि आफ्टर से पहले ये वाक्य आया है, लड़के विद्यालय नहीं गए. तो लड़के विद्यालय नहीं गए कब, घंटी बजने के बाद. तो यानी कि लड़के विद्यालय नहीं गए, तो आप सबसे पहले वाक्य में लिखेंगे किससे, कौन नहीं क्या, बॉयज. तो हम लिखेंगे द बॉयज Did not. The boys did not go to school. कब? After the bell had rung. रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग रंग होता है, इसलिए हमने यहां पर लिखा रंग. अब हम दूसरे वाले वाक्य में चोर के भागने से पूर्व पुलिस नहीं आई थी. अर्थात अभी चोर के भागने से पूर्व यानी कि पुलिस नहीं आई थी कि चोर भागते उससे पहले, तो हम लिखेंगे The police had not come. The police had not come. अब कैसे, पहले before. The thief ran away. Ran away. यहां पर देखिए, मैंने दूसरा बताया था आपको बिफोर से पहले अगर वाक्य आता है तो यहां पर देखिए कि वाक्य बिफोर से पहले आ रहा है, तो उसे हम हैड नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं. तो यहां पर मैंने लिखा द पुलिस हैड नॉट कम बिफोर द थीफ रैन अवे. और इस प्रकार से हम इस दिए हुए वाक्य को नकारात्मक रूप में बदल पाए. तो इसी प्रकार आपकी किताब में और भी जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उसे लगा करके आप इसके बारे में और अधिक अभ्यास करके सीख सकते हैं. चलिए अब इसके आगे हम अगला जो हमारा है वो है
आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो फिर हम उसमें कैसे उसको दिए हुए वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसमें हम क्या करते हैं, जिन वाक्यों में बिफोर का प्रयोग हो रहा है, अगर किसी वाक्य में बिफोर का प्रयोग हो रहा है तो उनका इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाक्य में सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करते हैं। और यदि जिन वाक्यों में आफ्टर का प्रयोग हो रहा हो तो उनका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम वाक्य में सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं भी दिया है तो वाक्य में हैड या डिड से पहले हम उस दिए हुए जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे, क्या सोने से पहले तुमने दूध पी लिया था? तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या सोने से पहले तुमने दूध पी लिया था। तो देखिए सबसे पहले हम इसे शुरू करेंगे हैड से। Had you drunk? D-R-U-N-K drunk the milk? Had you drunk the milk? Kab? Before you slept. क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बिफोर यू स्लेप, यानी कि हैड यू ड्रंक द मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया था? कब? सोने से पहले, बिफोर यू स्लेप। दूसरा है, क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था? तो क्या डॉक्टर के जाने के, यहां पर लिखा हुआ बाद, रोगी मर गया था तो हम लिखेंगे डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर the doctor had gone. यहां पर देखिए did the patient die, क्या रोगी मर गया था? after the doctor had gone, डॉक्टर के चले जाने के बाद। तो यहां पर आपने यूज देखा कि अगर हमारा जो वाक्य बिफोर के पहले दिया है तो हम उसे हैड से शुरू करते हैं, और अगर हमारा वाक्य आफ्टर से पहले दिया है तो उसे हम डिड से शुरू करते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में दिया हो और उसके बाद उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करेंगे। तो आइए इससे संबंधित हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए तीसरा है, बच्चे के रोने के बाद माता जी ने उसे क्या दिया था? अर्थात यह प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है, क्या? तो बच्चे के रोने के बाद माता जी ने उसे क्या दिया था, ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। तो लिखेंगे व्हाट डिड द
मदर, व्हाट डिड द मदर गिव टू द बेबी आफ्टर आफ्टर द चाइल्ड आफ्टर द चाइल्ड वेप्ट। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट होता है, व्हाट डिड द मदर गिव टू द बेबी आफ्टर द चाइल्ड वेप्ट, अर्थात बच्चे के रोने के बाद माता जी ने उसे क्या दिया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक है वो समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से ये पाठ समझ में आया होगा, और इसके अधिक समझ या जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई जो एक्सरसाइजेस हैं अभ्यास, उसको घर पे लगाकर सॉल्व करें और अधिक से अधिक उसके बारे में सीखने का प्रयास करें।